मैं माजा हूँ, मैं रेडबुल हूँ, मैं 1996 में लॉन्च हुआ था, तो वही मैं 1987 में ही लॉन्च हो गया था। तो जो जो गर्मियों में माजा पीते हैं वो लाइक करो और कमेंट में 5 बार हंसो। तो गाइस आजकल ये बोलने वाला कंपैरिजन शॉर्ट वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग इस तरह की शॉर्ट वीडियो को बनाकर काफी ज्यादा व्यूज गेन कर रहे हैं और अपने चैनल को बूस्ट कर रहे हैं। एक चैनल है प्रिंसिपल XYZ, इन्होंने इस तरह के वीडियो को बनाकर 4 मिलियन सब्सक्राइबर को गेन कर लिया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रिंसिपल XYZ की तरह वीडियो को कैसे बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल वीडियो एडिटिंग बताने वाला हूं, साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी साउंड इफेक्ट्स होंगे, जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक होंगे, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। और इस तरह की वीडियो के लिए जो मेन स्क्रिप्ट होती है वो भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, एंड में आप काफी आसानी से इस तरह का वीडियो बनाना सीख जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जैसे कि यदि आप माजा एंड फ्रूटी के बीच में कंपैरिजन करके दिखाना चाहते हैं तो आपको गूगल पर आकर सर्च करना है डिफरेंस बिटवीन माजा एंड फ्रूटी इन हिंदी। तो जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं तो आप देख पाते हैं कि स्टार्टिंग में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फ्रूटी में केवल आम का स्वाद होता है जबकि माजा में मैंगो, सीताफल और आम के अलावा भी काफी सारे स्वाद होते हैं। तो यहाँ पर से आपको कंपैरिजन मिल जाता है, उसके साथ साथ कुछ वेबसाइट्स भी मिल जाते हैं जिसे आप ओपन करेंगे तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको अगर कुछ अपने मन से सर्च करना है जैसे कि माजा कब लॉन्च हुआ है, फ्रूटी कब लॉन्च हुआ है, तो ये सब डायरेक्ट आप गूगल पर आकर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आप कुछ एडिटिंग का भी काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप पिक्सल ऐप को ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पर न्यू पिक्स लिखा हुआ दिखेगा तो उसे डिलीट कर लीजिएगा। उसके बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। राइट साइड में स्क्रॉल करने पर आपको कलर का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर से आप येलो कलर को चूज कर लेना। उसके बाद आपको इस शेप को नीचे की साइड से इस तरह से खींचना है और राइट साइड से इस तरह से कर लेना जिससे कि यह स्टिक की तरह बन जाए। उसके बाद इस शेप को बीच में ले आना और उसके बाद राइट साइड में स्क्रॉल करने पर स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे इनेबल कर लेना और स्ट्रोक का कलर ब्लैक कर देना। उसके बाद आपको राइट साइड में डबल शेप वाला आइकन दिख रहा होगा तो उस पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। ऊपर में प्लस वाला आइकन के बगल में सेव का आइकन है, उस पर क्लिक करके सेव एज इमेज पर क्लिक कर लेना और नीचे में जो क्वालिटी है उसके अल्ट्रा पर सिलेक्ट कर देना और सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सेव कर लेना। नेक्स्ट अब आपको वीडियो के लिए हेडिंग भी बनाना है, तो हेडिंग को बनाने के लिए फिर से एक शेप को ले लेना और शेप को लेने के बाद इस तरह से आपको हेडिंग के रूप में इसे बना लेना है। इस तरह से शेप को बना लेने के बाद इसका स्ट्रोक इनेबल कर लेना और स्ट्रोक कलर ब्लैक करके स्ट्रोक विथ 4 कर लेना और बैक आकर स्क्रॉल करने पर आपको एक साइडो का ऑप्शन मिल जाता है तो उसे क्लिक कर लेना और उसे इनेबल कर लेना और साइडो का कलर आपको व्हाइट कर लेना है। नीचे आपको ब्लर रेडियस का ऑप्शन मिलेगा तो उसे फुल कर देना 25 पर। अब इसके ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, ये आइकन पर आकर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर से एडिट कर सकते हो। तो जिस भी चीज का आप कंपैरिजन कर रहे हो यहाँ पर आकर उसका नाम लिख लेना। तो इस तरह से टेक्स्ट को लिख लेने के बाद इसका फॉन्ट आपको चेंज कर लेना, तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए आइकन पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा तो उसको क्लिक कर लेना और फिर माई फॉन्ट पर आना और टेकोबोल्ड नाम से जो फॉन्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लेना। फॉन्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। फॉन्ट को चेंज कर लेने के बाद आप इसको सेव पर ले आना। उसके बाद इसके कलर को चेंज करने के लिए आइकन पर स्क्रॉल करना, कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, ग्रेडियंट पर क्लिक करके प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। यहाँ से आप मल्टीपल कलर को चूज कर सकते हो, तो सबसे पहले इस बटन पर क्लिक कर लेना और उसके बाद जो लास्ट में कलर वाला बटन है उस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो सर्कल बना हुआ है वहाँ से आप कलर को चूज कर सकते हो, तो वहाँ से कलर को चूज कर लेना और राइट साइड से आप कलर के शेड को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर को चूज किया है और यहाँ पर लास्ट वाला जो कलर देख सकते हैं वो ब्लैक है, तो इस कलर को हम लोग चेंज कर देंगे। तो कलर वाला आइकन पर क्लिक करके इसको कलर हम लोग व्हाइट कर देते हैं। प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके आप और भी कलर को ऐड कर सकते हो, तो बीच में एक कलर को ऐड हो गया है तो यहाँ पर से इसका कलर आप चेंज कर लेना और कलर को चेंज करके मैं यहाँ पर येलो कर देता हूँ तो आप और भी कोई कलर रख सकते हो। हमारा ग्रेडियंट कलर यहाँ पर बन चुका है तो आप इस तरह से इसे रोटेट भी कर सकते हैं। तो कलर को अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर स्ट्रोक को भी इनेबल कर लेना है। स्ट्रोक को इनेबल करने के लिए ए आइकन पर स्क्रॉल करेंगे, स्ट्रोक का एक ऑप्शन मिल जाएगा तो उसको इनेबल कर लेना और स्ट्रोक का विड्थ जो है 11 रख लेना है। तो टेक्स्ट के साइज को इस तरह से बढ़ा लेना और इसे लेफ्ट साइड में अच्छे से एडजस्ट कर देना। ए आइकन पर आपको एक कॉपी का भी ऑप्शन मिल जाता है तो इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना और एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके नेम को चेंज कर लेना। तो यह कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो बैकग्राउंड शेप का जो साइज है वो टेक्स्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना और इस हेडिंग में इसी तरह से बीच में थोड़ी सी जगह खाली रखना। अब बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर लेना और इसे सेव कर लेना और इसी तरह से आप एक और हेडिंग बना लेना अपने चैनल का नाम लिखकर और इसे भी ट्रांसपेरेंट करके सेव कर लेना। हेडिंग को बना लेने के बाद आपको पिक्सल लैब में एक और चीज बनानी है, तो एक शेप ले लेना और उसका कलर ब्लैक कर देना। उसके बाद आपको क्रॉप वाला एक ऑप्शन मिलेगा, हेक्सागन आइकन पर क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर आपको कुछ रेशियो देखेंगे नीचे में, तो 3:4 का जो रेशियो है उस पर क्लिक कर लेना। 3:4 रेशियो चुन लेने के बाद आप इसे थोड़ा सा जूम कर लेना। इसे जूम कर लेने के बाद आपको इस पर शैडो लगाना है, तो हेक्सागन आइकन पर स्क्रॉल करने पर शैडो का जो ऑप्शन मिलेगा उसे इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद आपको जो शैडो का कलर है, शैडो का कलर आपको व्हाइट चुन लेना है और शैडो का कलर व्हाइट चुनने के बाद ब्लर रेडियस को बढ़ाकर आपको फुल 25 पर रख देना है और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके इसे सेव कर लेना है। अब आपको अपने वीडियो के लिए कुछ बैकग्राउंड भी चाहिए होंगे, तो बैकग्राउंड के लिए आप गूगल पर आ जाना और गूगल पर आने के बाद आपको लिखना है पिक्सबवे। पिक्सबवे एक वेबसाइट है जहां से आपको काफी सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे, तो पिक्सबवे को आप सर्च कर लेना। जैसे आप पिक्सबवे को सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पे ही आपको एक वेबसाइट दिख जाएगी,
redbullhoo.com, तो उस पर आप क्लिक कर लेना। यहाँ पर एक सर्च बॉक्स मिलेगा जिसके राइट कॉर्नर पर ऑल इमेजेस लिखा हुआ है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियोस पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जो सर्च बॉक्स है वहाँ पर आप सर्च कर लेना, बैकग्राउंड लिखकर आप सर्च करोगे तो काफी सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। और आपको कोई स्पेशल बैकग्राउंड चाहिए जैसे स्काई बैकग्राउंड, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं स्काई बैकग्राउंड या पार्टिकल बैकग्राउंड या बबल बैकग्राउंड, जिस तरह का बैकग्राउंड चाहिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड लिखकर सर्च किया तो काफी सारे बैकग्राउंड आ गए। ये बैकग्राउंड मुझे काफी अच्छा लग रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। बैकग्राउंड डाउनलोड करने के बाद काइनमास्टर में आकर न्यू प्रोजेक्ट ले लेना और उसका रेशियो आपको 3:4 लेना है। उसके बाद जो बैकग्राउंड आपने डाउनलोड किया था अब उसको सिलेक्ट कर लेना, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना, उसे सिलेक्ट कर लेना और सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड में स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पैन एंड जूम का, तो पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना और इस तरह से आप इसे जूम कर सकते हो। तो इसे जूम करके अच्छी तरह से स्क्रीन में पूरा फिल कर देना और फिल करने के बाद इक्वल का निशान आपको राइट साइड में दिखेगा तो उस पर क्लिक कर लेना। फिर बैक आकर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो इफेक्ट पर क्लिक करना। बेसिक इफेक्ट्स का एक ऑप्शन आएगा तो उस पर क्लिक करके जो आगे में ब्लर का ऑप्शन है गुसन ब्लर, उसको सिलेक्ट कर लेना। इस ब्लर को अच्छी तरह से जूम करना है और जूम करके पूरे स्क्रीन में इसे फिल कर लेना। फिर इस ब्लर का ड्यूरेशन आपको पूरे एंड तक बढ़ा देना है, बिल्कुल इस तरह से। अब फिर से ब्लर को सिलेक्ट करना, राइट साइड में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर में, तो सेटिंग पर क्लिक करना। ब्लर स्ट्रेंथ का ऑप्शन आएगा तो ब्लर स्ट्रेंथ को बढ़ाकर आपको 9 पर कर देना है। तो यहाँ पर से हमारा यह बैकग्राउंड रेडी हो चुका है, तो बैक आकर हम इसे प्ले करके देखेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो अब इसे आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आप इस बटन पर क्लिक करना, रेजोल्यूशन 720p सिलेक्ट करना, सेव एज वीडियो करना, तो यह वीडियो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। अब प्रिंसिपल XYZ की वीडियो में आपने देखा होगा कि पीछे में अलग अलग कलर में एक बैकग्राउंड होता है, उस बैकग्राउंड को हम अपनी काइनमास्टर में बनाने वाले हैं। तो इस बार काइनमास्टर में न्यू प्रोजेक्ट लेकर 9:16 का रेशियो चुन लेना। तो लेफ्ट साइड में आपको एक सेटिंग का आइकन दिखाई देगा, तो सेटिंग वाले आइकन पर आप क्लिक कर लेना। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ऑडियो, वीडियो एंड एडिटिंग, तो एडिटिंग पर क्लिक कर लेना। ऊपर में राइट साइड में डिफॉल्ट फोटो ड्यूरेशन का ऑप्शन है, तो फोटो ड्यूरेशन को आपको 1 सेकंड पर सिलेक्ट कर लेना है। अब बैक आना और ऊपर मीडिया वाला जो आइकन है उस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको इमेज एसेट्स, वीडियो एसेट्स करके एक ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इमेज एसेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। फिर यहाँ पर से किसी भी एक इमेज को आप सिलेक्ट कर लेना। आप अपने बैकग्राउंड में जितने कलर चाहते हैं उतने बार इसे सिलेक्ट कर लेना। तो मैं अपने बैकग्राउंड में 6 कलर रखने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसे 6 बार सिलेक्ट किया। तो अब आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, तो आप इन सभी का कलर चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए आप इसे सिलेक्ट कर लेना। इसे सिलेक्ट करने पर राइट साइड में आपको एक कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो कलर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर से आप इसका कलर चेंज कर सकते, तो जो भी कलर आपको पसंद हो वो कलर आप रख लेना। तो मैं यहाँ पर से इस तरह से देख सकते हैं सर्कल में बना रहा हूँ, यहाँ पे एक पर्पल कलर है तो मैं इसे पर्पल कलर रख लेता हूँ। तो कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपको देख सकते हैं राइट साइड में कुछ ऑप्शन है, तो राइट साइड में आप स्क्रॉल करना। राइट साइड में आप स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विग्नेट का, तो उसे इनेबल कर लेना। इससे हमारे बैकग्राउंड में एक ब्लैक कलर का शैडो पड़ रहा है जो कि हमारे बैकग्राउंड को काफी अच्छा कर देगा। आप इसी तरह से सभी को एक एक करके सिलेक्ट करना, सभी का अलग अलग कलर चेंज कर लेना। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने 6 अलग अलग कलर को इसी प्रकार से चुन लिया है, तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में बैकग्राउंड में। तो अब आप इसे एक्सपोर्ट कर लेना। इसे एक्सपोर्ट कर लेने के बाद जो हमने सेटिंग की थी 1 सेकंड पर कर दिया था डिफॉल्ट फोटो ड्यूरेशन, उसे वापस से हम लोग 4 सेकंड पर कर देंगे। अब आपको अपने वीडियो में यूज करने के लिए कुछ फोटोज की भी जरूरत होगी, तो फोटोज को डाउनलोड करने के लिए आप इमेज सर्च ऐप पर आना, यह ऐप आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो इमेज सर्च में आने के बाद यहाँ पर आप जो भी सर्च करोगे उसका इमेजेस आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया समोसा, तो समोसा का आप देख सकते हैं काफी सारे इमेजेस हमें मिल गए हैं। तो इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं काफी आसानी से। जो भी इमेज आपको पसंद आता है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे में आपको 3 आइकन्स मिल जाते हैं, तो जो फर्स्ट आइकन है वही डाउनलोड का आइकन है, तो उस पर क्लिक करते ही आपका ये इमेज डाउनलोड हो जाएगा। सो गाइस, एडिटिंग के लिए जो भी जरूरी चीज थी वो हमने बना ली है और जो डाउनलोड करनी थी वो डाउनलोड भी कर लिए। तो चलते हैं मेन एडिटिंग की तरफ। तो न्यू प्रोजेक्ट ले लेना और 9:16 का रेशियो ले लेना। उसके बाद ऊपर में मीडिया वाला आइकन पर क्लिक कर लेना और जो बैकग्राउंड हमने बनाया था अलग अलग कलर में उस बैकग्राउंड को आप ले लेना। आप देख पा रहे कि जो बैकग्राउंड के कलर है वो चेंज हो रहा है, लेकिन ये कलर 1 सेकंड पर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चेंज हो तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना और राइट साइड में स्क्रॉल करने पर आपको एक स्पीड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना और स्पीड को बढ़ाकर 2 पर कर देना। अब यह कलर और भी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। अब इसका ड्यूरेशन बनाने के लिए इसको सिलेक्ट कर लो और लेफ्ट साइड में ऊपर में 3 डॉट का आइकन है उस पर क्लिक कर लो। डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा तो उस पर क्लिक कर लेना। इसी तरह से इसे बार बार डुप्लीकेट करो, जितने सेकंड तक का वीडियो आप बनाना चाहते हो उतने सेकंड तक आप डुप्लीकेट करो इसे। एक क्लिप 3 सेकंड का था तो मैंने इसे 10 बार डुप्लीकेट किया, तो ये 30 सेकंड का हो गया। अब लेयर पर क्लिक करो, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और पिक्सल में जो हमने 3:4 रेशियो में ब्लैक शेप बनाया था वो वाला ले लो। फिर इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा के इसे बीच में इस तरह से सेट कर दो। हमने जो शेप में शैडो लगाया था इस कारण पीछे आपको ग्लो देखने को मिल रहा होगा, जैसा कि प्रिंसिपल XYZ की वीडियो में देखने को मिलता है। बिल्कुल उसी प्रकार का बैकग्राउंड हमारा भी बन गया है। अब लेयर पर क्लिक करके वो वाला बैकग्राउंड ले लो जो हमने ब्लर करके बनाया था, इसे ब्लैक वाले शेप के ऊपर अच्छे से लगा देना और जो हेडिंग हमने बनाया था समोसा वर्सेस पिज्जा करके वो भी ले लो और इसके ऊपर इस तरह से लगा लो और चैनल का नेम लिखा हुआ जो हेडिंग था वो वीडियो के नीचे इस तरह से लगा लेना और सभी का ड्यूरेशन आप एंड तक इस तरह से बढ़ा देना और हमने जो पिक्सल में स्टिक बनाई थी उसे इस तरह से ले लेना और इसे बीच में अच्छे तरह से जूम करके इसे लगा लेना और इसका भी ड्यूरेशन बढ़ाकर आप एंड तक कर देना। उसके बाद आपको फिर से लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके गैलरी से ये वर्सेस वाला PNG ले लेना और राइट साइड में स्क्रॉल करना तो क्रोमा की का ऑप्शन आएगा तो उसे इनेबल कर लेना, तो पीछे जो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है वो हट जाएगा। अब इस वर्सेस वाले PNG को समोसा और पिज्जा के बीच में जो अपने हल्के
तरीके से जगह छोड़ी थी वहीं पर आपको एडजस्ट करना है इस तरह से। अब आपको गैलरी से समोसा वाली इमेज ले लेना है और समोसा जिस तरफ लिखा है उस साइड में आपको इस तरह से छोटा करके एडजस्ट करना है। उसी तरीके से आप पिज्जा वाली इमेज को लेकर राइट साइड में एडजस्ट करना और अब उसी के नीचे समोसा और पिज्जा की एक एक और इमेज लेकर इस तरह से एडजस्ट कर देना। बट इसमें आपको साइज की प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि अगर दोनों का साइज सेम नहीं रहेगा तो आप अच्छे से एडजस्ट इसे नहीं कर पाओगे। तो साइज को सेम करने के लिए आप पिक्सेल ऐप में आना और प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना और गैलरी से वो वाली इमेज ले लेना जिसका साइज आपको एडजस्ट करना है। फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना और गैलरी से आप दूसरी वाली इमेज ले लेना। यहाँ पर आप देख पा रहे समोसा और पिज्जा के जो इमेज हमने लिए वो सेम नहीं है, तो यदि हम इसे काइनमास्टर में एडिट करते समय सामने सामने लगाएंगे तो ये अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो आप पहली वाली फोटो को सिलेक्ट कर लेना और हेक्सागन आइकन पर स्क्रॉल करना तो आपको रिलेटिव साइज का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो रिलेटिव साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना तो आप देख सकते हैं बिट 75% है और हाइट भी 75% है। अब आप दूसरी वाली पिक्चर को सिलेक्ट करके रिलेटिव साइज ओपन करना। यहाँ पर विड्थ 74 है और हाइट 56 है, तो इसे भी हमें 75 करना होगा पहले वाली इमेज की तरह। तो सबसे पहले ऊपर में जो रेशियो इनेबल्ड है उसे हमें डिसेबल करना है इस तरह से और उसके बाद विड्थ और हाइट दोनों को बढ़ाकर 75% पर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये दोनों इमेजेस इक्वल साइज के हो गए हैं। अब पहली वाली इमेज को सिलेक्ट करना और इसे डिलीट कर देना, दूसरी वाली इमेज को बीच में कर लेना और बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके इस इमेज को सेव कर लेना और काइनमास्टर में आकर इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना और बाकी जो भी हमने इमेजेस यहाँ पर लिए हैं उन सभी का ड्यूरेशन बढ़ाकर आपको एंड तक कर देना है। उसके बाद आपको ये बॉक्सिंग ग्लव वाला पीएनजी ले लेना है। ऑल मटेरियल लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, इसका चिंता आप मत करना। जो भी मटेरियल मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वो सभी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अभी आप क्रोमा की वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसे इनेबल कर लेना। स्टार्टिंग में लगा ये बॉक्सिंग ग्लव आपके वीडियो में काफी अच्छा लुक देगा। जहाँ पर बॉक्सिंग ग्लव एक दूसरे से टकरा जाते हैं वहाँ पर से आप उसके ट्रिम राइट कर देना। उसके बाद आप इस चेहरे वाले पीएनजी को ऐड करना और क्रोमा की को एनेबल करके इसका जो बैकग्राउंड है ग्रीन कलर का वो हटा देना। उसके बाद इस चेहरे वाले पीएनजी को अपने इमेज के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर देना। उसके बाद आपको राइट साइड में एक रिकॉर्डिंग वाला बटन दिख रहा होगा तो उस वाले बटन पर आप क्लिक कर लेना, जिसके बाद एक स्टार्ट का बटन शो होता है जिस पर क्लिक करके आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद स्टॉप बटन भी शो हो जाएगा जिससे कि आप जब भी अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हो उस पर क्लिक करके स्टॉप कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग को ऑन करके आपकी जो स्क्रिप्ट होगी उसको पढ़ लेना। ऑल मटेरियल के साथ साथ ऐसे स्क्रिप्ट की भी लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल को ओपन नहीं पाते तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डायरेक्ट मेरे चैनल का नाम सर्च करेंगे इंडियन टेक बाबू तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहीं पर मैं आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो आप जब वॉइस देंगे तो आपको सभी लाइन एक साथ नहीं बोलना, एक एक लाइन करके बोलना है। तो स्टार्टिंग का एक लाइन जो है मैंने यहाँ पर वॉइस दी है, तो ये प्ले करता हूँ। मैं हूँ समोसा। तो यहाँ पर जो मेरी वॉइस है वो थोड़ी भारी आ रही है, लेकिन जब आप प्रिंसिपल एक्स वाई जेड की वीडियो देखते होंगे या इस प्रकार की वीडियो देखते होंगे तो उनकी आवाज पतली आ रही होगी, एक किड्स की तरह आ रही हो। तो इस आवाज को आप चेंज कर सकते हैं काफी आसानी से। बस इसे सिलेक्ट कर लेना, राइट साइड में आपको एक वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिल जाएगा तो उस पर क्लिक कर लेना। वहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन शो होंगे तो आप स्क्रॉल करना, एक किड्स का एक ऑप्शन आपको शो हो जाएगा किड का, तो किड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। मैं हूँ समोसा। तो इस तरह से आपकी साउंड एक किड की तरह हो जाएगी जो कि काफी अच्छी लगेगी। यदि आपके ऐप में वॉइस चेंजर का ऑप्शन नहीं है तो भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, तो आप वॉल्यूम वाले बटन या फिर मिक्सर बटन जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर लेना। आप देखेंगे कि राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा पिच का, जैसे जैसे आप ऑडियो की पिच को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऑडियो आपको पतली होती जाएगी। मैं प्ले करता हूं। मैं हूं समोसा। तो इस तरह से आप अपने वॉइस को चेंज कर सकते हैं। तो अब आप अपने वॉइस के एंड पॉइंट पर आ जाओ और फेस वाले पीएनजी को सिलेक्ट करके ट्रिम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लो और ट्रिम राइट कर दो। उसके बाद फेस वाले पीएनजी को फिर से ऐड करो और इस बार सेकंड वाली इमेज पर अच्छे से एडजस्ट कर दो और जो पिज्जा की वॉइस है वो भी आप यहाँ पर दे दो। और जिस तरह से पहले वॉइस को चेंज किया था उसी प्रकार से आप वॉइस भी चेंज कर लेना यहाँ पर। तो चलो इसे प्ले करके देखते हैं। समोसा और मैं हूँ पिज्जा। तो इसी प्रकार से आप अपने स्क्रिप्ट के अनुसार आगे की वॉइस भी दे देना। अब आप वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना और लेयर पर क्लिक करना, टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर से टाइप कर लेना 0 0 लिखकर ओके कर लेना। और इसके बाद आपको राइट साइड में एक फॉन्ट का ऑप्शन दिखाई देगा तो फॉन्ट वाले पर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना और वहाँ पर काफी सारे फॉन्ट होंगे तो रोबोटो वर्ल्ड करके जो फॉन्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लेना। अब राइट साइड में स्क्रॉल करना, आउटलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना और आउटलाइन वाले ऑप्शन को क्लिक करके इनेबल कर लेना और नीचे में जो विड्थ है उसको थोड़ा बढ़ा लेना और जहाँ पर समोसा लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको इस तरह से एडजस्ट कर देना है एंड इसका ड्यूरेशन बढ़ाकर आपको पूरा एंड तक कर देना है। फिर इसको सिलेक्ट कर लेना, लेफ्ट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा तो उस पर क्लिक कर लेना, डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, फिर डुप्लीकेट वाले टेक्स्ट को राइट साइड में इस तरह से एडजस्ट कर देना। अब जहां पर से भी आपको 0 को चेंज करके 1 करना हो वहां पर से आप सिलेक्ट कर लेना और सिलेक्ट करने के बाद ट्रिम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्प्लिट कर लेना और उसके आगे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना और वहां से एडिट करके इसे 1 कर देना। तो इसी तरह से टेक्स्ट को एडिट करके आप 1 2 3 4 जितना लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा वीडियो को बना सकते हैं और प्रिंसिपल एक्स वाई जेड जैसा वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पर अपलोड करके काफी अच्छे
अच्छे व्यूज को गेन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो समोसा और पिज्जा है लास्ट में उसके नीचे में थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है, जैसे कि प्रिंसिपल एक्स वाई जेड की वीडियो में भी आपने देखा होगा कि थोड़ी सी जगह नीचे में छोड़ी हुई रहती है। यहाँ पर कोई फैक्ट जब आप बताएंगे तो उसको वहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि अगर पिज्जा 1996 में लॉन्च हुआ होगा तो यहाँ पर आप 1996 लिख कर यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने वीडियो को बना सकते हैं। वीडियो को पूरा बना लेने के बाद आप इसे 720p HD में एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो वीडियो से कुछ भी नया सीखा होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.